देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई मरने वाला है तो वो यहाँ खड़ा देश का किसान है। मतलब देश का पेट भी भरे, फौज पे बैठ के भारत माँ का फर्ज भी निभाए और यहाँ खड़े होकर इनकी लाठी डंडे भी खाए, नेताओं की गालियाँ भी खाए और उसके बाद इन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आतंकवादी के नाम से संबोधित भी किया जाए। यहाँ खड़े मेरे तमाम भाई और आप तमाम पत्रकार, चलिए आप मुझे बताइए, अब तक आपको किसी ऐसे व्यापारी का, किसी बिजनेसमैन का, किसी उद्योगपति का नाम याद है जिसने कभी पेड़ से लटक के आत्महत्या करी हो? बता सकता है आप में से खड़ा कोई भी भाई? नहीं बता पाएगा, क्योंकि करी ही नहीं है तो बताएगा कहाँ से, समझ रहे हैं? लेकिन देश का किसान, प्रतिदिन मरने वाला किसान 8 है। अगर आप इसके अंदर दिहाड़ी मजदूरों को ऐड कर दें तो यह आंकड़ा 16 के पार चला जाता है। आपने कभी सोच के देखा है या आपके कभी जमीर ने पूछा है कि आखिर इस देश के अंदर देश का किसान क्यों मरता है? अरे आप पूछेंगे भी क्यों, आप तो पूछते ये हैं मोदी जी ने क्या खाया, मोदी जी ने क्या पहना, मोदी जी ने कितने लाख का सूट लाए, मोदी जी ने कितने लाख का चश्मा लिया ग्रहण देखने के लिए, आप तो ये देखते हैं। आप अगर यहाँ आकर किसानों को कवरेज दे रहे हैं ना, तो आपका फर्ज बनता है किसानों से ये पूछें कि जो 12 किसान आपके मरे हैं, जो 12 किसान इस भारत माँ के खातिर शहीद हुए हैं, उन 12 किसान के परिवारों का घर कैसे चलेगा? आपने कभी सोच के देखा है, कभी इन किसानों से पूछ के देखा है कि कौन राजनेता और कौन जो अपने आप को भारत माँ का सपूत बताता है, जो अपने आप को हिंदू धर्म का रक्षक बताता है, किसने यहाँ आकर इनसे पूछा कि आपने रोटी खाई है या नहीं खाई है? ये काम है मीडिया का पूछने का, लेकिन आप तो पूछते हैं सरकार ने क्या कहा। आप वहाँ मीटिंग में गए तो आपने चाय क्यों नहीं पी? सरकार की चाय पीने जा रहे हैं वहाँ मीटिंग में? ये अपना घर परिवार, अपनी खेती को छोड़कर जो इनका सब कुछ है, इनकी आन बान शान, लोगों का पेट भरने का जरिया, इनका खुद का पेट भरने का जरिया, इनके बच्चों को पालने का जरिया वो एकमात्र कृषि है, जिस सरकार इनसे वो कृषि का हक भी छीनने जा रही है, इन्हीं को इन्हीं के खेतों में खुद मजदूर बनाना चाह रही है। लेकिन ये कार्य हरगिज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब तक सरकार इस देश के अंदर वो बड़े बड़े उद्योगपति, वो विजय माल्या जैसे भगोड़े, वो नीरव मोदी जैसे भगोड़े, वो मेहुल चौकसी जैसे भगोड़े इस देश का लाखों करोड़ों रुपया लेकर भग जाते हैं, उनके लिए ना बैंक बोलता है, ना प्रधानमंत्री बोलते हैं, ना गृह मंत्री बोलता है, लेकिन किसान 10,000-15,000 उधार क्या ले ले, इन बैंक वालों के तन बदन में आग लग जाती है, जिस कारण ये इनकी जमीन पे कब्जा कर लेते हैं और जिस कारण किसान आत्महत्या कर लेता है। ये है किसान की आत्महत्या का कारण। मोदी जी फिर आए थे, गए कहाँ थे जो आए थे, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपने कहा कि बिल बहुत अच्छा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है ऐसा, एक बात मुझे बताइए, जब बिल बहुत ही अच्छा था तो इसमें आपको संशोधन करने की क्या आवश्यकता हुई? जब संशोधन हुआ इसका मतलब ये कि बिल में कहीं ना कहीं कोई कमी थी, लेकिन इस बिल में कोई ना कोई नहीं, पूरी ही कमी है। और देश की सरकार से सिर्फ इतनी छोटी सी मांग है कि जिस तरीके से आपने रातों रात अपने दलाल पत्रकार अर्णव गोस्वामी जैसे लोगों को रातों रात जमानत दिला देते हैं, GST और नोटबंदी रातों रात लागू कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से आपने ये बिल लागू करा, ठीक उसी प्रकार आप इन तीनों काले कानूनों को वापस ले लीजिए। देश का किसान जैसे पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, भोपाल से आया है, वैसे ही वापस चला जाएगा। इतनी छोटी सी मांग सरकार के बुद्धि में समझ में नहीं आ रही है। तो क्या लग रहा है, बिल वापस लिया जाएगा? क्यों नहीं लिया जाएगा ये बताइए आप मुझे, क्यों नहीं लिया जाएगा? आप एक बात मुझे बताइए, जब सरकार अपने व्यापारिक मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए इन बिलों को ला सकती है, तो देश की जनता को, देश के किसानों को इन तीनों बिलों से बचाने के लिए सरकार बिलों को वापस ले भी सकती है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो लड़ाई देश के किसान की आप समझ रहे हैं ना, किसान की तो असल में लड़ाई है ही नहीं, किसान के साथ में लड़ाई ये देश की उस जनता की भी है जो हर एक व्यक्ति नमक तेल और रोटी खा लेता है ना। सरकार वो नमक तेल और रोटी भी आपसे छीनने के चक्कर में है। आप लोग निजीकरण की बात करते हैं, आप सोच सकते हैं जब ये व्यापारिक कंपनियां, जब ये प्राइवेटाइजेशन करने वाली कंपनियां, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जब फ्री में मिलने वाले पानी को 20 रुपए लीटर बेच सकती हैं, तो आप सोच लीजिए जब
इनके हाथ में ये किसानों की मंडियां आ जाएंगी, जब इनके हाथ में किसानों का अनाज आ जाएगा तो इसे कितने दाम पर बेचेंगे। जब फ्री का पानी 20 रुपये लीटर बिक सकता है तो सोचिए, ये तो मेहनत मजदूरी से कमाई हुई खेती है, इसको कितने में बेचेगा अंबानी और अडानी, ये सोचने वाली बात है। तो इसीलिए देश का किसान अपने बातों पर, अपने वादों पर अडिग है। इसमें 99.9% भी संशोधन नहीं चाहिए। ये तीनों काले कानून कृषि बिल वापस होने चाहिए, यही देश के किसान की मांग है। आप एक बात देखिए, इनके नेता बहुत पढ़े लिखे हैं। एक नेता इनका बिहार के टाइम में बताता है कि अगर यहाँ पर महागठबंधन की सरकार बनी तो 300 आतंकवादी आ जाएंगे। एक नेता और इनकी दलाल मीडिया जो इनके हाथों की चाटुकारिता करती है, वो दलाल मीडिया भी कुछ दिनों पहले बोल रही थी पाकिस्तान में टमाटर 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो, पाकिस्तान में लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। एक बात मुझे बताइए, जब पाकिस्तान में लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है तो वो इस आंदोलन को स्पॉन्सर कहाँ से करेगा? तो आप अपना एक स्टेटमेंट को ठीक करिए। और ये सरकार की पुरानी आदत है, अगर हम लोग बोल रहे हैं तो हमें हिंदू नहीं माना जाएगा, ठीक है, हम लोग कम्युनिस्ट में आ जाते हैं। आप मुस्लिम हैं, आप बोल रहे हैं तो आप आतंकवादी हैं, ये बात आपको समझनी होगी। किसान बोल रहा है तो वो खालिस्तानी है, छत्तीसगढ़ के लोग बोल रहे हैं, अन्य आदिवासी लोग बोल रहे हैं, वो नक्सली हैं, समझ रहे हैं? इस देश के अंदर वो निक्कर वाले और वो पौने दो आँख वाले बाबा रामदेव, वो ही सत्यवादी हरिश्चंद हैं, बाकी सारे के सारे झूठे हैं, ये बात आपको समझनी होगी। जी ये चीज सरकार को क्यों नहीं समझ में आ रही कि यहाँ पे किसान ही है और बाकी लोग नहीं है यहाँ पे, मतलब बाकी लोगों को इल्जाम लगा रही है कि और भी लोग जो इसमें घुसाए हैं। कहाँ घुसाए हैं, एक बात मुझे बताइए। आपने पहले किसानों को रोकने के लिए सिर्फ कोबरा वायर, पत्थर और ऐसी चीजों का प्रयोग कर रखा था। आप देखिए जाकर, किसान ना होकर ये आतंकवादी हो इस तरीके की हालत कर दी है। आज उन पत्थरों को चैन से बांध दिया गया है, मोटी मोटी चैनों का प्रयोग किया गया है, बड़ी बड़े ट्रक और लाकर यहाँ खड़े कर दिए गए हैं। आप एक बात मुझे बताइए, देश का किसान अगर भारत देश के प्रधानमंत्री से इस बात की अपील नहीं करेगा कि किसानी में बेहतरी होनी चाहिए, ये तीनों काले कानून बिल वापस होने चाहिए, तो किससे बात करेगा? मोदी जी का तो काम क्या है? मोदी जी से आप शिक्षा की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, किसान की बात करेंगे, खेती की बात करेंगे, तो मोदी जी कहेंगे कान के नीचे एक चांटा मार के, तू पागल है, तू पागल है, उधर से चाइना हमला कर रहा है, इधर से पाकिस्तान हमला कर रहा है, तुझे किसानों की पड़ी हुई है। तो ये मोदी जी का काम है और मोदी जी के दलाल मीडियाओं के पत्रकारों का माइंड को डाइवर्ट करने का। अब आप सोच लीजिए, एक कहता है नेता मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे, एक कहता है मेरे ऊपर पत्थर मारे जा रहे हैं, एक कहता है मेरे घर के मेरे परिवार को खतरा है, एक कहता है मुझे जान से मार देंगे। अबे जब देश के नेता जो सत्ता में मौजूद हैं वही अपनी जान की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, तो आपकी और हमारी सुरक्षा की हिफाजत कौन लेगा? जब ये अपनी जान की हिफाजत नहीं कर पा रहे तो कुर्सी से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? असल में ना ये राम के ना रहीम के, ये कुर्सी के पुजारी हैं और कुर्सी की लगी बीजेपी को बीमारी है। बदला लेगी जनता किसान के अपमान का, वोट लेगा या किसान के नाम का? आज मैं आपको एक बात बता दूं, जब देश में चुनाव होता है तब इनको किसानों की आय की बात याद आ जाती है। अंबानी अडानी को अभी जो है जियो का सिम जो है बहुत पोर्ट कराया जा रहा है, थोड़ा भी जा रहा है, इसमें क्या कहना आपका? बिल्कुल कराया जाएगा। और मैं आपको एक बात खुद बताऊं, मेरे घर के भी सभी सदस्यों ने जियो की सिम को तोड़ा है और हम भी जियो का बहिष्कार करेंगे। और आखिर क्यों भी ना करें, इस देश का किसान सड़क पे है, आप किसान की ओर ध्यान नहीं देंगे अंबानी अडानी को करोड़पति मनाने में? एक बात मुझे बताइए, जहां कोरोना की आड़ में पूरा देश लाचार हो गया, देश की इकोनॉमी गिर गई, देश की जीडीपी गिर गई, देश की वित्त मंत्री कहती है मैं लहसुन प्याज नहीं खाती, वो वित्त मंत्री आज इकोनॉमी को लेकर नहीं बोलती, देश के मजदूर जिनकी सरकार की औकात 200 रुपए का ट्रेन का टिकट देने की नहीं थी, वो नंगे पैर घर तक गए। जब सरकार पे पैसा नहीं है तो एक बात बताइए, एक और देश दिवालिया घोषित होने की तादाद पर है, देश की इकोनॉमी गिर गई, तो अंबानी और अडानी जो इसी देश में रहते हैं उनका पैसा कैसे बढ़ा? कहीं ना कहीं आपको इसमें सरकार का हाथ लगता है? इसमें पूरा ही सरकार का हाथ है। आपको एक बात मुझे बता दूं, जब सरकार हर एक चीज का निजीकरण प्राइवेटाइजेशन करने में लगी है तो इस देश के अंदर गृह मंत्री की क्या जरूरत,
प्रधानमंत्री की क्या जरूरत, उन एमएलए उन एमपीओ की क्या जरूरत जो हराम का पैसा खाते हैं, आपके और हमारे टैक्स के पैसे से वेतन भत्ता लेते हैं, उनको जरूरत ही क्या है? जब सभी चीज का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो इन नेताओं की जरूरत क्या है? और जो इस देश के पुलिस के लोग हैं ना, जो अपने आप को डीपी बताते हैं, कोई पीपी बताता है, कोई एचपी बताता है, वो लोगों से भी निवेदन है किसानों का साथ दीजिए, नहीं तो जो आप अपने आगे लगाते हैं ना डीपी एचपी पीपी वो भी जल्दी हटने वाला है, उसकी जगह आ जाएगा एपी अंबानी पुलिस अडानी पुलिस, समझ रहे? तो आप लोग आज अगर किसान के साथ बीत रही है तो आपको साथ देना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई किसी जाति किसी धर्म की नहीं है। और वो लोग जो बीजेपी के साथ में थे लेकिन किसानों के साथ में आए हैं, उन लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया कि कम से कम आपको जाति धर्म से ऊपर उठकर किसानों के साथ तो आए। और आज इस देश का किसान मजबूर और लाचार खड़ा हुआ है, यहाँ खड़ा हुआ है अपने खेती को छोड़कर, अपने घर अपने परिवार को छोड़कर, छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग माताएं और बहनें यहाँ मौजूद हैं, लेकिन देश की सरकार जरा भी सुध नहीं ले रही। तो देश की सरकार को जगाना होगा और इस देश की दलाल मीडिया दलाल पत्रकारों को भी अपने ईमान का थोड़ा सा तो ख्याल रखना चाहिए। आप चौथे स्तंभ हैं, अगर इस चौथे स्तंभ में इतनी जंग लग चुकी है कि यह चौथा स्तंभ कभी भी गिर चुका है, वो तो कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिनके कारण ये स्तंभ अभी भी जीवित है। तो अगर आप में थोड़ा सा भी ईमान बचा है तो देश के किसान के बारे में सोचिए, देश के किसान के लिए सोचिए, क्योंकि अगर किसान नहीं रहेगा तो बिना किसी प्राकृतिक आपदा के, बिना किसी बाढ़ के, बिना किसी सुनामी के और बिना किसी बारिश के ये देश भूखा मर जाएगा, इस देश का हर एक व्यक्ति भूखा मर जाएगा। तो देश के किसान के लिए, किसान की लड़ाई में किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होइए। मेरा सवाल है, एक सवाल अभी आपने वोट कराने का जो जियो सिम का है उसका असर कब तक उन पर दिखेगा, क्योंकि दो चार छह लोग अगर कराएंगे तो उसका असर कहाँ पड़ेगा उनके ऊपर? आपको मोदी जी ने कितना पैसा दिया है? या आपको भी 1.5 लाख का चश्मा पहनाना पड़ेगा? आपने बोला 2, 4, 6, ठीक है, अगर इनका टोटल भी कर लेना तो उससे ज्यादा आदमी तो जो मैं बोल रहा हूँ तो पीछे ही खड़े हुए हैं। आपको यहाँ दिख नहीं रहे कितने सारे लोग हैं? सबने बंद करा दिए। आप देखिए इस आंदोलन में कितने सारे लोग हैं, यहाँ खड़े तमाम लोगों से आप पूछिए, आप सभी ने बंद कराई है नहीं कराई है? जियो की सिम तो हमें पोर्ट करवा दी। और दूसरी बात, निवेदन कर पूरे देश के, देश का जितना भी किसान है मजदूर है, देश का जितना भी किसान है जितना भी मजदूर है और जो भी व्यक्ति रोटी खाता है जिसमें बुद्धि है, वो हर एक व्यक्ति किसान के साथ खड़ा हुआ है और खड़ा रहेगा। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे, जो 14 तारीख को आप लोग जो करने वाले हैं बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट, तो वो कैसे सफल होगा? इतनी सारी तैयारियां सरकार के द्वारा की जा चुकी हैं, आप तमाम तरह के जवान फोर्स उतारे जा चुके हैं यहाँ पर, तो कैसे आप लोग जाम करेंगे और टोल प्लाजा फ्री करवाएंगे? देखिए 1947 से लेकर आप मौजूदा दौर के 2020 में खड़े हुए हैं, इस देश के अंदर इस भारत की भूमि ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन तय किए हैं, अंग्रेजों को इस भारतवर्ष की भूमि से खदेड़ने से लेकर इस देश के अंदर जब पेड़ की कटाई का कार्यक्रम चल रहा था, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च और बहुत बड़े बड़े आंदोलन इस भारत की भूमि ने तय करे हैं। और इस भारत माँ की मिट्टी आज भी राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, महारानी लक्ष्मीबाई, अशफाक उल्ला खान, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे वीर सपूतों को पैदा करती है। और आज भी मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरीके से ये तमाम आंदोलन सफल हुए, जब अंग्रेजों ने इतने सारे अंग्रेजों ने घुटने टेके, तो इस गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादों की, इन हिटलर के शासन वाले लोगों की औकात ही क्या है कि ये देश के किसान के आंदोलन में रोक लगाएं? सरकार बिल वापस लेगी और पूर्णतः वापस लेगी, नहीं तो इस देश का किसान अपनी बातों पर बहुत सारे बिल वापस लिए गए हैं। आप दोहराइए इस देश के इतिहास को, बहुत सारे बिल वापस लिए गए हैं, आप कैसे कह सकते हैं नहीं लिए गए? और मुझे निश्चित तौर पर यकीन है ये बिल भी वापस होगा और निश्चित तौर पर होगा। जय हिंद, जय भारत। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।